हरिद्वार कुंभ का तीसरा शाही स्नान कल होगा। पुलिस प्रशासन शाही स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि बैसाखी शाही स्नान पर्व को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस का हर संभव प्रयास रहेगा कि स्नान के दौरान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि महाकुंभ का हिस्सा बनते समय कोविड गाइडलाइन का भी जरूर पालन करें। मैं समस्त देशवासियों को बैसाखी की भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कल 14 अप्रैल को महाकुंभ 2021 हरिद्वार का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा शाही स्नान है, जिसको हम पीक डे बोलते हैं किसी भी मेले का। हमारी उत्तराखंड पुलिस की उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और जैसा हमने पहले प्रयास किया है कि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो और बाहर से आने वालों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। फिर से अपील करना चाहूंगा कि हमारा कल फिर से फुल पूरा प्रयास करेंगे कि स्थानीय निवासियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। हिल बाईपास को चालू करेंगे, हमने ट्रांजिट बसें लगाई हुई हैं 800, तो लोगों को जिससे कम से कम चलना पड़े, बाहर वालों को भी कम से कम असुविधा होने देंगे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ में तीसरे शाही स्नान मेष संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ के दूसरे शाही स्नान में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मुख्यमंत्री ने कल के शाही स्नान के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। सभी श्रद्धालु मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें।